हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ बाजार में आया, जिसे रिटेल निवेशकों को बहुत आकर्षित किया। 9 अगस्त को स्टॉक की बीएससी और एनएससी पर लिस्टिंग भी हुई। 76 रूपए इश्यू प्राइस वाला शेयर मंगलवार 13 अगस्त को 129.40 रूपए पर जा पहुंचा था। ओला इलेक्ट्रिक की बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद नतीजे भी घोषित हुए हैं। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,644 करोड़ रुपए रहा, जो बीते वर्ष की सामान तिमाही में 1,243 करोड़ रुपए से 32% ज्यादा है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1,598 करोड़ रुपए था। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 347 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो बीते वर्ष समान अवधि में 237 करोड़ रुपए रहा था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 416 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तिमाही दर तिमाही कंपनी के नुकसान में कमी आई है। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 48,916 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है, यानी आज के ट्रेड में स्टॉक 46% के उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कल के कारोबार में क्या होगा, कंपनी का शेयर कैसा प्रदर्शन करेगा। अगर आप भी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर हैं तो हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.